वेलकम टू ऑलमोस्ट एक्सो गाइस। आज की स्टूडियो में बात करेंगे रियलमी 7 डिवाइस में काफी ज्यादा यूजर्स यार वेट कर रहे हैं कि आपके डिवाइस में रियलमी वाई 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को कब तक लाइव किया जाएगा, उसके एग्जैक्ट डेट टाइम के बारे में बताऊंगा। इस फॉर्म को अपने अपने डिवाइस में किस प्रकार से अप्लाई करना होगा, किन यूजर्स को यहाँ पर इस अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहिए और किन यूजर्स को यहाँ पर इस अपडेट को मिस करना चाहिए, इस अपडेट से रिलेटेड सारी कुछ डिटेल शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं रियलमी 7 डिवाइस के एंड्रॉइड 12 और रियलमी 3.0 अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म के बारे में। उससे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको अपने डिवाइस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड करके रखना होगा। आपके डिवाइस में जो भी सिक्योरिटी पेज देखने को मिल रहा है उसे यहाँ पर आपको अपडेटेड कर लेना है, तभी आपके डिवाइस में रियलमी 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म देखने को मिलेगा। अब बात करें कि इस फॉर्म को अपने डिवाइस में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो आप इस बीटा फॉर्म को मिस कर दीजिएगा। आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लीजिएगा क्योंकि इस बीटा अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में हीटिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, बैटरी ड्रेन इश्यूज, लैगिंग इश्यूज और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, उन यूजर्स के बारे में बात करें कि जिन्होंने इसको अपने डिवाइस में रियलमी 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को अप्लाई करना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको राइट टॉप कॉर्नर पर सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन शो होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर वहाँ पर आपको आपके डिवाइस में अर्ली एक्सेस शो होगा, बट आपको बताना चाहूंगा कि कब तक शो होगा। जैसा कि रियलमी की ओर से ऑफिशियली कंफर्म किया गया था कि रियलमी 7 डिवाइस में मार्च के मंथ में रियलमी 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को लाइव किया जाएगा। इन्हें पर डेट भी बताई थी कि यहाँ पर आपको ये फॉर्म यहाँ पर, जैसा कि रियलमी ने ऑफिशियली कंफर्म डेट बताई थी कि 23 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में आपको रियलमी 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म देखने को मिलेगा आपके डिवाइस में। तो यहाँ पर आज 28 मार्च हो गई है तो आपको ये अपडेट आज या फिर कल देखने को मिलेगा। इसकी टाइमिंग में आपको बताना चाहूंगा, आपको 10 बजे सुबह देखने को मिलेगा या फिर आपको दोपहर 3 बजे के आसपास ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो आपको एक्टिव रहना है। यहाँ पर मैंने ये वीडियो इसलिए बताई है ताकि जो मेरे यूजर्स हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स यार कमेंट भी करते हैं कि आप बार बार रियलमी 7 डिवाइस के वीडियो बनाया करते हो बट अभी तक रियलमी 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म देखने को नहीं मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको वीडियो इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको एक्टिव आप रह सको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स मैंने देखे हैं कि आप एक्टिव नहीं रहते और यहाँ पर सीट से फुल हो जाती है। फिर यहाँ पर आप कमेंट करते हो कि हमें यहाँ पर रियलमी 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म देखने को नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको अर्ली एक्सेस तो देखने को मिल जाएगा आज या कल में। फिर आपको उस अर्ली एक्सेस पर फटाफट से क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा। फिर आपके डिवाइस का जो फॉर्म है वो यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा, अंडर रिव्यू में चले जाएगा। एक या दो दिन के अंदर अंदर अप्रूव या फिर पास्ड होगा। उसके बाद आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर में रियलमी 3.0 का बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, जिसकी साइज आपको 5 GB के आसपास देखने को मिलेगी। और यहाँ पर उस अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके डिवाइस में आपका इंपॉर्टेंट डेटा है जैसा ऑडियोस, वीडियोस, फाइल्स, तो उसको आपको कॉपी कर लेना है। अगर अपडेट के साथ भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आपका डेटा भी क्लियर हो सकता है। वैसा डेटा क्लियर नहीं होता है। डिवाइस की चार्ज 60% प्लस होना चाहिए। डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज 10 GB की फ्री स्पेस होना चाहिए, तभी आप अपने डिवाइस में रियलमी 3.0 का बीटा अपडेट को इंस्टॉल करिएगा। यार इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।